आईपीएल 2024 के शुरू होने से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शेरों के आगे भेड़ें क्या हैं? एक मद माता खाजा है, बाकी सारी दुनिया प्रजा, शेर अकेला राजा है। सिद्धू ने इस शेर के बहाने से रोहित की कप्तानी की तारीफ की। उन्होंने कहा, 100 भेड़ों के आगे एक शेर लगा दो, दो भेड़ें शेर हो जाती हैं, लेकिन 100 शेरों के आगे एक भेड़ लगा दो तो शेर ढेर हो जाते हैं। तो शेरों के आगे बब्बर शेर लगे तो इंडियन टीम बनती है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी अनबॉक्स कार्यक्रम के दौरान विराट कोहली ने कहा कि उनका ट्रॉफी जीतने का सपना है। जब महिला टीम ने यह खिताब जीता तो हम देख रहे थे। उम्मीद है कि हम ट्रॉफियों को दोगुना करेंगे, जो सच में बहुत खास होगा। विराट कोहली ने कहा कि वे इस साल आईपीएल ट्रॉफी जीतने के सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपने कौशल और अनुभव पर निर्भर होंगे। पार्थिव पटेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हर किसी को फिट और उपलब्ध देखकर बहुत अच्छा लगा। पार्थिव के इस पोस्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये ट्वीट उन क्रिकेटर्स के लिए किया है जो चोट या मानसिक थकान की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा नहीं बन पाते हैं और आईपीएल से ठीक पहले फिट हो जाते हैं। आईपीएल 2024 सीजन के शुरू होने से पहले ही बुमराह को लेकर दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैग्रा ने बड़ी सलाह दी है। बुमराह को लेकर ग्लेन मैग्रा ने कहा कि उन्हें बीच सीजन में आराम भी करनी चाहिए। मैग्रा के मुताबिक जसप्रीत बुमराह का एक्शन जिस तरह का है उसे देखते हुए आईपीएल 2024 सीजन के बीच में उन्हें आराम की जरूरत होगी, क्योंकि उनके बॉलिंग एक्शन से उन पर दबाव बनता है। दिल्ली कैपिटल्स ने डेविड वार्नर की जगह एक बार फिर ऋषभ पंत को अपनी टीम का कप्तान बना दिया है। ऋषभ पंत साल 2021 से दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी संभाल रहे थे, लेकिन पंत का साल 2022 में दिल्ली से रुड़की जाते समय कार से एक्सीडेंट हो गया था। इस घटना के बाद ऋषभ पंत आईपीएल 2023 में हिस्सा नहीं ले सके थे और उनकी जगह पर वार्नर को टीम की कप्तानी सौंपी गई थी। आईपीएल 2024 की शुरुआत से पहले आरसीबी ने एक बड़ा ऐलान किया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के अनबॉक्स इवेंट में टीम ने अपना नाम बदलकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कर दिया है। ये फैसला स्थानीय समर्थकों के लंबे प्रदर्शन का नतीजा है, जो लंबे समय से बदलाव पर जोर दे रहे थे। आरसीबी की टीम इस सीजन की शुरुआत सीएसके के खिलाफ करेगी। सूर्यकुमार यादव टखने की सर्जरी के बाद एनसीए में रिहैबिलिटेशन के दौर से गुजर रहे हैं। वे अभी भी आईपीएल 2024 सीजन में खेलने के लिए फिट नहीं हो सके हैं। सूर्यकुमार को आईपीएल 2024 में खेलने के लिए एनसीए से मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में वे अभी मुंबई इंडियंस की टीम से नहीं जुड़ पाएंगे। अब 21 मार्च को सूर्या का एक और फिटनेस टेस्ट होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से अफगानिस्तान टीम को बड़ा झटका देते हुए उनके साथ होने वाली बायलैटरल टी20 सीरीज को रद्द करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को फ्यूचर टूर प्रोग्राम के तहत अगस्त महीने में अफगानिस्तान के साथ किसी वेन्यू पर 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी थी, लेकिन अफगानिस्तान ने महिला टीम को क्रिकेट खेलने के अधिकारों से वंचित रखने की वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज को रद्द कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की भागीदारी को लेकर चल रही अटकलों के बीच पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा है कि वे अगले साल होने वाली इस प्रतियोगिता के देश से बाहर आयोजन के बारे में नहीं सोच रहे। पीएसएल के फाइनल के दौरान संवाददाताओं से बात करते हुए नकवी ने पुष्ट की कि उन्होंने पिछले सप्ताह दुबई में आईसीसी की बैठक के दौरान बीसीसीआई के सचिव जय शाह से बात की थी। नकवी ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेंगे।